गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्यूमिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट टू के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें पहले मैं थ्योरी बताऊंगा आपको थोड़ा, और थ्योरी बताने के बाद फिर ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके सामने रखे हैं, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, आज ये बताएंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ थ्योरी में कि स्पाइरेंस क्या है, ठीक है, साइक्लोएल्काइलिडीन क्या है और क्यूमुलिंस क्या है। तो क्यूमुलिंस जो होते हैं उसमें मैंने बताया था कि ऐसे होता है कि इसमें जो होते हैं उनको एक नाम देते हैं अपन, पॉलीन्स भी बोलते हैं। क्यूमुलिंस को क्या बोलते हैं, पॉलीन्स। जब डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ जाते हैं तो पॉलीन्स हो जाते हैं, ये सी एस टू डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और ये सी एस टू, ये पॉलीन्स हो गया, इसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस आ गया तो ये क्यूमुलिन है। यहां पर ये देख रहे हो कि डबल बॉन्ड जो आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं तो इसको बोल देंगे अपन क्या, इवन, इवन क्यूमुलिन है, ठीक है। अच्छा, ऐसे मैं बात करूं इसके अलावा स्पाइरेंस के बारे में बात करूं तो स्पाइरेंस क्या है, स्पाइरेंस इनके बारे में बात करें तो स्पाइरेंस में ऐसा हो जाता है कि रिंग आ जाती है इसमें, इसमें क्या आ जाती है, रिंग, ऐसे रिंग आ गई है। अगर ऐसे रिंग आ जाती है तो अपन इनको बोल देते हैं स्पाइरेंस। स्पाइरेंस में भी वही चलेगा, ऑड और इवन। अगर रिंग दो आ रही है तो ये इवन स्पाइरेंस हो जाएगा, और रिंग अगर तीन आ जाएगी तो क्या बोल देंगे उसको, ऑड स्पाइरेंस, तो ये इवन है, ठीक है। और अगर मान लो तीन रिंग आ गई तो इसको क्या बोल देंगे, ये तीन रिंग आ गई, तो तीन रिंग आ गई तो इसको बोल देंगे अपन क्या, ऑड, ये ऑड स्पाइरल है, ठीक है, ये ऑड स्पाइरल है, ये इवन स्पाइरल है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्पाइरल से रिलेटेड और क्यूमुलिंस से रिलेटेड की जीआई कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। और थर्ड इसके बारे में बात करेंगे साइक्लोएल्काइलिडीन। साइक्लोएल्काइलिडीन में क्या होता है, साइक्लोएल्काइलिडीन इसमें ऐसा होगा कि एक रिंग आ जाएगी, ये एक रिंग आ गई, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर कुछ ग्रुप जुड़े हुए हो सकते हैं जैसे सी एस थ्री एच ओ बी, तो इसमें रिंग आएगी और क्या आ जाएगी, इसमें इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसमें रिंग आ रही है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें रिंग प्लस डबल बॉन्ड है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड, ये दो चीज आ रही है, तो इसमें रिंग प्लस डबल बॉन्ड है। अगर दो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है तो इसको बोल देंगे क्या, इवन, इवन साइक्लोएल्काइलिडीन बोल देंगे। ऑड में क्या होगा, ऑड में ऐसा होगा पहले एक रिंग आएगी फिर डबल बॉन्ड फिर क्या आ जाएगा वापस एक रिंग आ जाएगी तो वो ऑड हो जाएगा, तो ऐसे इवन ऑड में चलेंगे। चलो ये चीज मैंने बताई कि क्यूमुलिंस क्या होते हैं, स्पाइरेंस क्या होते हैं और साइक्लोएल्काइलिडीन क्या होते हैं, इतना सा आपको मैंने बताया। अब मैं इनकी ज्योमेट्री पे चलता हूं। सबसे पहले मैं क्यूमुलिंस की ज्योमेट्री पे जाते हैं, तो क्यूमुलिंस में अपन पहले इवन के बारे में डिस्कशन करें, इवन क्यूमुलिंस के बारे में, इवन स्पाइरेंस के बारे में और इवन साइक्लोएल्काइलिडीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर ऑड के बारे में बात करेंगे, तो कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा वो सारी चीज देखेंगे, तो देखते चलो। देखो इवन जो क्यूमुलिंस है उनकी एक बार ज्योमेट्री देखें, इवन क्यूमुलिंस, इवन क्यूमुलिंस की बात करते हैं तो इनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे होगी सी एस टू डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड और क्या सी एस टू, तो देखो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, यहां पर कार्बन, कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं दो, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये कार्बन के पास ये ऑर्बिटल है और ये कौन सा है पी वाई है, इस कार्बन के साथ क्या करेगा ओवरलैप कर रहा है, इस तरीके से ओवरलैप करके क्या बन रहा है यहाँ पर पाई बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा कार्बन इसकी बात करते हैं तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ इसकी फिर ओवरलैपिंग होगी, ये कार्बन के पास अब कौन सा बचा है ऑर्बिटल, देखो सिग्मा में पी एक्स काम में आ गया होगा और यहां पर कौन सा काम में आ गया होगा पी वाई, तो बच कौन सा गया पी जेड बच गया इसके साथ, तो पी जेड ये बचा हुआ है, ये पी जेड है, ये पीजेड जो रहेगा इस कार्बन का वो इस कार्बन के पीजेड के साथ क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, ये इसके साथ क्या कर रहा है ऐसे ओवरलैपिंग, इस तरीके से इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहां पे एक चीज ये है कि ये टर्मिनल कार्बन को देखो और इस टर्मिनल कार्बन को देखो, ठीक है, तो ये टर्मिनल कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन पे यहां पर देख रहे हो तो यहां पर पीजेड काम में आ रहे हैं, ये अलग प्लेन में, यहां पर कौन सा है यहां पर आप देख रहे हो तो पी वाई अलग प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ पे आप डिस्टेंस चेक करोगे, डिस्टेंस कैसे चेक करें, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं, देखो ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देखो ये कौन सी प्लेन में आ गई, ये वाला जो कार्बन है इस पर जो ऑर्बिटल है वो जेड प्लेन में काम में आ गए, अगर जेड ये प्लेन में काम में आ गए तो हाइड्रोजन कौन से प्लेन में होंगे, हाइड्रोजन प्लेन में होंगे और ये वाले जो रहेंगे वो प्लेन से बाहर चले गए, जेड एक्सिस पर आ गए ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर आगे बाहर हो गए ये तो ठीक है ऊपर नीचे हो गए, और ये हाइड्रोजन जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, तो इनको दिखाएंगे इनके बीच में डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे अगर यहां पर ग्रुप जोड़ देते हैं तो ठीक है, वो मैं बता रहा हूं आपको, तो देखते उसको देखो इसको कैसे चेक करोगे आप, आपने ये तीन कार्बन है, ये तीन कार्बन, ये ले लिए तीन कार्बन ठीक है, अब इस पर क्या कर दें ग्रुप लगा दें, इस पे अपन ने ग्रुप लगा दिए इस तरीके से, इस पे ग्रुप लगा दो आप पहले, तो दो ग्रुप आपने लगा दिए यहां पर, पहले दो ग्रुप लगा दो आप, ये दो ग्रुप लगा दिए ठीक है, और दो ग्रुप जो लगाए आपने ये दो हाइड्रोजन लगाए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन ये रहे, और कार्बन एक दो तीन, ये कार्बन ये बीच में एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, तीन कार्बन होंगे, तो ये इधर है अपन इनको इस तरीके से दिखाएं, ये सब क्या है बताओ, ये सब प्लेन में, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये रहा ठीक है, ये सॉरी इनको ऐसे दिखाएंगे प्लेन में है, ये इस तरीके से दिखाएंगे ठीक है, ये प्लेन में होंगे, अच्छा ये प्लेन में है, ये सब के सब प्लेन में है, अब बात करते हैं बाकी के दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन ये कहां पर जाएंगे, इनकी पोजीशन दिखाएं पर, तो ये प्लेन से बाहर रहेंगे, तो प्लेन से अगर ये बाहर रहेंगे तो इनको कैसे दिखाएंगे, इनको इस तरीके से दिखा देंगे, देखो इनको इस तरीके से दिखा देंगे, ये इस तरीके से दिखा देंगे, अब आप देख रहे हो क्या देख रहे हो, ये जो दो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन ये ठीक है, ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, वो ये प्लेन में मैं देख रहा हूं इनको, ये प्लेन में एक हाइड्रोजन ये एक नीचे हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये सब प्लेन में ये सब प्लेन में ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन है वो क्या है प्लेन से बाहर है जेड एक्सिस पर है ये हाइड्रोजन, अब आपको ये चेक करना है कि यहां पर अगर मैं ग्रुप जोड़ देता हूं, सपोज ये वाला जो ग्रुप है आपका ये CH3 है ठीक है, यहां पर CH3 लगा देता हूं, तो यहां पर CH3 हाइड्रोजन को हटा करके यहां पे CH3 लगा दिया, और फिर यहां पर देख रहा हूं यहां पे भी मैंने हाइड्रोजन को हटा करके CH3 लगा दिया, तो देख लीजिए जी ये जो है हाइड्रोजन की जगह CH3 हो गया, और ये वाला जो है यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया CH3 लगा दिया, ये सिचुएशन है, तो ये CH3 है और वो CH3 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो आप चेक करोगे, तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो कौन सी आएगी, यहां से लेकर के वहां तक की डिस्टेंस आएगी ठीक है, अब अपन क्या करें इनको चेंज कर दे, ये डिस्टेंस को एक बार चेक करो आप, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये वाली डिस्टेंस ये जो चेक कर रहे हैं अपन, ये डिस्टेंस देख रहे हैं, इसको L1 नाम देंगे, अब इनकी ग्रुप की पोजीशन क्या कर दो चेंज कर दो आप, ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला जो CH3 है इसको आप नीचे ले लो, देखो इसको CH3 को क्या ले लो नीचे ले लो, ये सपोज आप ऐसे रखो इसको, ये है ये मान लेते हैं ये CH3 है वो नीचे है ठीक है, ये CH3 नीचे, तो अब पहले की पोजीशन ये वाली CH3, ये पहले ऊपर CH3 था, ये CH3 वो हाइड्रोजन था उसके बीच की डिस्टेंस, और ये CH3 नीचे वाला और वो हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस वो सेम बैठेगी, आप चेक करो ये भी इधर इतने ही डिस्टेंस पे बैठ रहा है, वो निचला वाला जो CH3 पहले भी वाली सिचुएशन उस पर भी इतना ही सेम डिस्टेंस पे बैठ रहा है, तो ये बराबर डिस्टेंस पे बैठेंगे ठीक है, अगर आप टर्मिनल की पोजीशन यहां पे चेंज भी कर दोगे, यहां पे CH3 को पहले ऊपर रखा आपने और फिर उस हाइड्रोजन से उस CH3 से डिस्टेंस निकालोगे, वो वाली डिस्टेंस चेक करो, अब इसको उल्टा भी कर दोगे और उल्टा करके फिर चेक करोगे नीचे से CH3 वो CH3 के बीच में, तो डिस्टेंस क्या आएगी सेम आ जाएगी, तो सेम आएगी, तो इसका मतलब ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, डिस्टेंस सेम आ गई, अगर डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता तो अपन कह रहे थे ये GI शो करेंगे ठीक है, तो यहां पे अपन बोलेंगे कि अगर यहां पे CH3 आप रखोगे, मैंने यहां पे CH3 रखा था, यहां पे CH3 रखा था ठीक है, ये वाला मैंने सीन लिया था, तो अगर मैं ये लेके चलूंगा तो मैं यहां पर बोलूंगा ये कार्बन ये हाइड्रोजन और ये CH3 ठीक है, और यहां पर क्या है डबल बॉन्ड, और फिर ये आपने रखा ये CH3 और ये क्या रखा है
आपने ये डिस्टेंस देखी पहली सिचुएशन, ये डिस्टेंस देखी आपने, ठीक है, ये डिस्टेंस देखी, इसको L1 नाम दिया। अब आपने चेंज कर दी, आपने जो है CH3 को नीचे ले लिया था बाद में, तो जब इसको बाद में नीचे ले लिया तो फिर क्या हो रहा था, तो ऐसे अपन ने कर दिया ये CH3 और ये H और ये H और ये क्या CH3, ठीक है, L चेंज कर दिया। अब यहां पे डिस्टेंस चेक करो आप, ये वाली डिस्टेंस आप देखो आप, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है इसको L को नाम दे रहे हैं। ये डिस्टेंस मैंने बताई थी दोनों क्या आएगी सेम आएंगी, तो ये सेम आ रही है, L1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है L को आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है ये दोनों क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी, तो उस केस में क्या ये GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। तो यहां पर लेंथ जो है वो क्या आ गई, दोनों सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप के बीच में अगर डिस्टेंस जो आ जाती है वो क्या आ जाती है सेम आ जाती है, तो अपन बोलेंगे कि नॉन GI नहीं होगी, ठीक है, GI यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो करेगा, देखो ये कार्बन है इस पर ये जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से, इस कार्बन पे ये ऑर्बिटल देख रहे हो तो ये जेड प्लेन पे, तो ये क्या हो गए, ये इनका ऑरियंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर ये कार्बन पर जो ऑर्बिटल है ये भी ऐसे रहते, ये कार्बन पे ऑर्बिटल है वो भी ऐसे रहते, तो अपन बोलते कि लास्ट के जो कार्बन है वो टर्मिनल कार्बन वो सेम है, ठीक है। अब अपन इन कार्बन को बोलेंगे डिफरेंट कार्बन हो गए एक तरीके से। अब ये डिफरेंट कार्बन हो गए तो मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो कायरल हो जाएगा, मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, तो उस केस में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने लग जाएगा। तो एक कंक्लूजन क्या निकला, इवन स्पायरन से क्या कंक्लूजन निकला, इवन स्पायरन से कंक्लूजन ये निकला कि लेंथ जो आ रही है वो ये वाली और ये वाला, ये जो है ट्रांस है एक तरीके से, और ये वाला क्या है सिस है। तो सिस ट्रांस यानी ग्रुप्स को अगर आप अपोजिट रख रहे हो या ग्रुप्स को सेम साइड रख रहे हो तो डिस्टेंस जो आ रही है वो L1 इज इक्वल टू L2 वो इक्वल आ रही है, जिसकी वजह से GI नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें देख रहे हो कि ये दोनों जो कार्बन है वो एक अलग अलग तरीके से हो गए, इसमें ऑर्बिटल जो है से, इसमें ऑर्बिटल एस हो गए, तो ये डिसिमेट्रिक हो गया ये कार्बन एक तरीके से, तो कायरल हो गया ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल कायरल होते ही फिर अपन बोल देंगे कि ये क्या शो करने लग जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहली चीज ये GI शो नहीं करेंगे, तो कंक्लूजन क्या निकला, ये इवन जो क्यूमुलिंस है वो इवन क्यूमुलिंस में बोलेंगे नॉन GI नहीं होगी, और क्या होगा इसमें, इसमें सिर्फ OI होगी, OI इज प्रेजेंट, सिर्फ OI होगी इसमें, ठीक है, तो OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। अब ये चीज अपन ने क्यूमुलिंस पे बेस सीखा, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे इसकी बात करते हैं, तो इसमें देख रहे हो कि इसमें जो है इवन क्यूमुलिंस है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड कंटिन्यूस आ रहे हैं, ठीक है, क्यूमुलिन है और दो आ रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड, तो इसलिए इसको बोलेंगे इवन। तो इसमें बोलेंगे अपन कि GI होगी या नहीं होगी, तो इसमें बोलेंगे नो GI, GI इसमें नहीं है। अगर मैं OI की बात करूंगा तो हाँ OI इसमें होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज है इसमें, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ये शो नहीं करेगा। एक तो ये बात होगी। अब बात करते हैं इनके बारे में, बात करते हैं अब मैं आपको स्पायरन इनके बारे में बताता हूं थोड़ा, कि स्पायरन में कैसे अरेंजमेंट होगा, स्पायरन में अरेंजमेंट कैसे होगा वो अब मैं बताता हूं आपको, कि कैसे 3D में अरेंजमेंट होगा। तो देखो स्पायरन के बारे में बात करें तो स्पायरन में रिंग है, ये रिंग, अब इसमें रिंग, एक जो रिंग रहेगी वो तो प्लेन में रहेगी, एक प्लेन के बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसका अगर 3D में डायग्राम दिखाओगे आप तो 3D में कैसे दिखाओगे इसको, इसको ऐसे दिखाएंगे रिंग को, देखो यहां पर रिंग को कैसे दिखाएंगे 3D में, अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर सबसे पहले आप दो रिंग रखो, ये दो रिंग रख दिया, ठीक है। अब स्पायरल के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर देखो सबसे पहले एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये रिंग जो रहेगी वो तो प्लेन में है, इसका 3D में अगर दिखाते हैं
ये तो प्लेन में है, ठीक है, और दूसरी जो रिंग है वो प्लेन के बाहर है, तो प्लेन के जो बाहर है ना इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं, देखो इसमें ये वाला जो है, ये वाला एंड, ये वाला, ये तो क्या आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, और इसकी बात करते हैं तो ये जो रहेगा वो ऐसे कर रहे हैं इसको, इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला एंड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, ये अपन इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे ये क्या होगा इन प्लेन, ये प्लेन में है, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ये आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन, प्लेन के बाहर है, ठीक है, और इस पर फिर क्या जोड़ोगे आप, ग्रुप जोड़ दोगे, ग्रुप आपने जोड़ दिया, मान लो इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहां पर सुनना ये प्लेन के क्या हो गया, बाहर हो गया, तो हाइड्रोजन जो रहेंगे इसमें वो क्या बोलेंगे, प्लेन में रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन प्लेन में रहेंगे, और इसकी बात करेंगे ये प्लेन में है, ये रिंग जो है वो प्लेन में, तो हाइड्रोजन प्लेन से बाहर रहेंगे, तो हाइड्रोजन को ऐसे करके दिखाना पड़ेगा इसमें, इस तरीके से ये हाइड्रोजन को आप ऐसे करके दिखाओ, एक हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ है, एक हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ, ये इसका 3D डायग्राम है, ये इसका 3D डायग्राम है, किसका, स्पाइरल का 3D डायग्राम है, और कौन सा स्पाइरल है, ये स्पाइरल है इवन, इवन स्पाइरल है, ये इवन स्पाइरल का 3D डायग्राम है, अब इस पे अपन इसको कैसे दिखाए, इसको ये प्लेन में रखना है आपको, और ये क्या रखना है, प्लेन से बाहर रखना है, कॉपी दे, ये वाला जो है ये प्लेन में, ये प्लेन में, तो ये प्लेन में रहेगा ऐसे, ये रिंग प्लेन में, ये प्लेन में, और ये वाली जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, तो आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन ये जेड एक्सिस पर आ रहा है, और ये प्लेन में, तो ये प्लेन में मतलब ये वाई एक्सिस पर है, इस तरीके से, तो ऐसे रिंग है, और उस पर क्या जोड़ दोगे, उधर टर्मिनल पे हाइड्रोजन जुड़े हुए, वहां पर दो हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर यहां पर भी क्या लगा देंगे, दो हाइड्रोजन लगा देंगे, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन जो लगाएंगे, यहां पर ये जो है आउट ऑफ प्लेन है, ये सॉरी प्लेन में है, तो हाइड्रोजन यहां पे दो जोड़ोगे, वो क्या जोड़ोगे आप, आउट ऑफ प्लेन, ऊपर नीचे जोड़ोगे, और इसकी बात करेंगे तो ये वाली जो रिंग है, ये वाली, ठीक है, ये वाली रिंग जो है वो किस में जा रही है, वो जा रही है आउट ऑफ प्लेन जा रही है, ठीक है, ऐसे आउट ऑफ प्लेन जेड एक्सिस पर जा रही है, तो ये आउट ऑफ प्लेन है, तो इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो किस में जोड़ोगे आप, वो प्लेन में, एक ऊपर और एक क्या जोड़ दोगे, नीचे जोड़ दोगे, ठीक है, ये प्लेन में जोड़ दोगे, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है 3D अरेंजमेंट, तो ये स्पाइरल से, अब इसमें सोचा जाए फिर से वही चीज हो गई जैसे क्यूमुलिंस में हुआ था, तो क्यूमुलिंस में भी अपन ने इवन में ऐसे किया था कि लास्ट का ये वाला कार्बन, ठीक है, और ये वाला कार्बन वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, डिफरेंट कैसे हो गए, कि इसमें जो रिंग है वो रिंग तो जो है वो तो प्लेन में है, और इसपे जो रिंग है वो क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, हाइड्रोजन को भी देखोगे तो वो भी अलग है, हाइड्रोजन देख रहे हो तो यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन जो है टर्मिनल के हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक अंदर है एक बाहर है, और इसमें बात कर रहे हैं तो ये प्लेन में, तो ये कार्बन और ये कार्बन डिसिमेट्रिक हो गए, कायरल हो गए एक तरीके से, तो ये मॉलिक्यूल ही कायरल बन जाएगा, अगर ये मॉलिक्यूल कायरल बन गया तो ये क्या दिखाने लग जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इवन स्पाइरल जो होते हैं, इवन स्पाइरल वो क्या शो करेंगे, वो सोर्स ओ आई, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इवन स्पाइरल क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बात कर ली जाए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर जब बात करोगे आप तो वही केस बनेगा जो क्यूमुलिंस का बना था। डिस्टेंस चेक करोगे आप, यहां पे ग्रुप लगा दोगे, अगर मैं यहां पर ग्रुप लगा देता हूं, जैसे यहां पे CH3 लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहां पर क्या लगा दिया मैंने, यहां पे CH3 लगाया, फिर इनके बीच की डिस्टेंस चेक करी मैंने, इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं मैं, L1 मान लेता हूं। अगर मान लो मैंने ऐसे चेंज भी कर दिया, और चेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पर जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, और ये टर्मिनल पे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और इधर कौन जुड़ा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर ये आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको चेंज भी कर दोगे आप, यहां पे ये ग्रुप लगा दोगे तो क्या देखोगे, यहां पे ये H लगा दिया आपने, और यहां पर क्या लगा दिया, CH3। अब यहां पर डिस्टेंस चेक करो, ये CH3 और ये CH3 के बीच की डिस्टेंस, इसके बारे में बात करें तो इसको L2 मान लिया, ये L1 है और ये क्या है, L2। तो यहां पर बोलेंगे कि L1 और L2 जो आएगी वो इक्वल आएगी, जैसे इवन स्पाइरल्स में हुआ था,
जैसे इवन क्यूमुलेंस में हुआ था सेम वैसे होगा, डिस्टेंस सेम आएगी। अगर डिस्टेंस सेम आ गई, ये L1 is equals to L2 आ गया, तो सो अपन बोलेंगे नॉन जीआई, यहां पर जीआई नहीं होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि इवन स्पाइरल्स जो रहती हैं वो ओआई शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, इवन स्पाइरल्स जो रहती हैं वो नॉन जीआई, कोई जीआई वो शो नहीं करेंगे। तो ये कंक्लूजन निकला। अब यहां से देखो, यहां से आप देखो इस पे बात करें अपन, ये जो है स्पाइरल्स है, रिंग आ रही है, यहां पर देख रहे हो पहली चीज कि ये जो इवन, ये जो है दो रिंग आ रही है, इसमें दो रिंग आ रही है, तो अपन बोल देंगे कि ये इवन स्पाइरल्स है। अगर ये इवन स्पाइरल्स है तो यहां पर देखो कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये कौन कौन से जुड़े हुए हैं, बीआर बीआर और यहाँ हाइड्रोजन और सीएल। तो पहली चीज तो आप बोलोगे कि इसमें जीआई होगी नहीं, नॉन जीआई, इसमें जीआई नहीं है, ठीक है, नॉन जीआई, इसमें जीआई नहीं होगी। और बात करें इसमें, इसमें अगर जीआई के अलावा ओआई की बात करेंगे तो हाँ ये ओआई शो करेगा, ओआई क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो इसमें देखेंगे, तो इसमें भी अपन यही बोलेंगे कि साहब ये जो है जीआई शो नहीं करेगा, नॉन जीआई, ठीक है, ये जीआई शो नहीं करेगा। अगर मैं ओआई की बात करूंगा हाँ तो ये ओआई जो शो करेगा, ठीक है, तो ओआई शो करेगा, जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। इस पे बात हो गई। ऐसे ही अपन साइक्लो एल्कालाइडिन के बारे में बात कर लें। साइक्लो एल्कालाइडिन में क्या होगा, साइक्लो एल्कालाइडिन में भी ऐसे ही होगा जैसे अपन स्पाइरल्स में बात की और किसमें बात की अपन ने, जैसे अपन ने क्यूमुलिंस के बारे में बात की, सेम ऐसे साइक्लो एल्कालाइडिन में बात करेंगे तो वैसे होगा। चलो देखते हैं उसको फटाफट। तो देखो साइक्लो एल्कालाइडिन उसमें क्या होगा, उसमें एक रिंग आएगी और एक साइड का डबल बॉन्ड आएगा, तो रिंग और डबल बॉन्ड एक साथ रहेंगे उसमें, ठीक है, साइक्लो एल्कालाइडिन में। तो साइक्लो एल्कालाइडिन में रिंग और डबल बॉन्ड जब एक साथ रहेंगे तो वो किस तरीके से रहेंगे, यहां पे देखो ये जो रिंग रहेगी वो तो किस में रहेगी, प्लेन में, और ये क्या जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर आपने हाइड्रोजन लगाया है, यहां हाइड्रोजन लगाया, ये प्लेन में रहेगा इसमें, ये साइक्लो, और किसकी बात कर रहे हैं, एल्काइलिडिन के बारे में बात कर रहे हैं, साइक्लो एल्काइलिडिन, ठीक है। साइक्लो एल्काइलिडिन में क्या होगा, साइक्लो एल्काइलिडिन में ऐसा होगा कि एक रिंग है और एक क्या है इसमें, एक इसमें डबल बॉन्ड है। तो रिंग की बात करेंगे तो ये प्लेन में, इन प्लेन, ये प्लेन में होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन के बाहर होगा, ये आउट ऑफ प्लेन होगा, और ये क्या होगा, प्लेन में होगा। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, ये प्लेन में है, तो ये जो हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो आउट ऑफ प्लेन रहेंगे। इसका 3D जो दिखाएंगे तो इसमें अपन ऐसे बताएंगे कि ये आउट ऑफ प्लेन है, तो इनको ऐसे करके दिखा दिया अपन ने इस तरीके से, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन है। और इसकी बात करेंगे तो ये क्या रहेंगे, ये प्लेन में, देखो ये रिंग जो है वो प्लेन में, तो ये जो रहेंगे वो आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, यहां पर ये जो है वो क्या आउट ऑफ प्लेन है, तो ये जो आ जाएगी वो प्लेन बन जाएंगे इस तरीके से। तो साइक्लो एल्कालाइडिन का भी केस वैसा ही जैसे इवन क्यूमुलिंस का है, ये इवन साइक्लो एल्कालाइडिन है, तो इवन साइक्लो एल्कालाइडिन की बात करें, इवन साइक्लो एल्कालाइडिन की बात करें, और इसके अलावा अगर मैं उसकी बात करूं इवन स्पाइरल्स की बात करूं, तो इवन स्पाइरल्स, ठीक है, या फिर मैं बात करूं इवन इवन क्यूमुलिंस की बात करूं, तो इन सबके केस में मैं क्या बोलूंगा, इन सबके केस में मैं ये कंक्लूजन बोलूंगा कि नॉन जीआई, कोई जीआई नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी मैं ये बोलूंगा कि हाँ इसमें ओआई जो रहेगी वो क्या होगी, इस प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, तो ये कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं इनके बारे में। इवन साइक्लो एल्कालाइडिन के बारे में बात करूं, इवन साइक्लो एल्कालाइडिन इनके बारे में बात करूं, और इसके अलावा मैं इवन स्पाइरल्स के बारे में बात करूं, इवन क्यूमुलिंस के बारे में बात करूं, तो इनमें बोलूंगा कि जीआई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है इसमें, ओआई प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपन ने इनके बारे में बात करी। जब ऑड के बारे में बात करोगे तो जस्ट उल्टा बोल दोगे। ऑड में क्या बोलोगे आप, ऑड के केस में, तो ऑड के केस में अपन बोलेंगे कि ऑड अगर साइक्लो एल्कालाइडिन है, ऑड साइक्लो एल्कालाइडिन, इनके केस में बात करें
ठीक है, ऑड साइक्लोहेक्साडीन, या फिर क्या है ऑड स्पायरीन है, ऑड स्पायरीन, या फिर क्या है ऑड क्यूमिलिन्स है, ऑड क्यूमिलिन्स। तो इनमें मैं बोलूंगा कि इसमें क्या होगी, जीआई प्रेजेंट होगी, जीआई होगी इसमें, ओआई इसमें नहीं होगी, ये मैं बोलूंगा। तो अब इसमें देख लो आप फटाफट, तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस इसमें बात करते हैं। तो इसमें जो है ये ऑड है, ऑड क्यूमिलिन है, तो ऑड क्यूमिलिन है तो इसमें क्या होगी, जीआई होगी इसमें, ठीक है, इसमें जीआई प्रेजेंट होगी। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये साइक्लोएल्काइडीन है, तो साइक्लोएल्काइडीन में क्या देख रहे हो कि यहां पर ये जो है इसमें जीआई होगी या नहीं होगी, ओआई की बात करें तो ओआई इसमें नहीं होगी, जीआई की बात करेंगे इसमें तो ये ईवन है तो ईवन के केस में जीआई नहीं होगी, ठीक है। ऑड के केस में बात करेंगे तो ऑड, ये जो है ओआई के बारे में बात करेंगे तो ओआई इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ओआई इसमें प्रेजेंट होगी। इसमें बात करें तो यहां पर एक दो तीन तीन है तो ये ऑड हो गया, तो ऑड के केस में जीआई जो रहेगी वो क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होगी, ओआई की बात करेंगे तो इसमें नहीं होगी, ओआई की बात करेंगे। अब इसकी बात कर ले तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस, इसमें आप देखो इसमें जीआई की बात करेंगे, जीआई इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें ओआई जो रहेगा वो एब्सेंट होगा, जीआई इसमें होगी, ओआई की बात करेंगे तो ओआई नहीं होगी इसमें, जीआई क्यों होगी इसमें वो आप चेक कर लोगे। ये कार्बन इस पर दो ग्रुप जुड़े हुए, एक सी एच थ्री रेच डिफरेंट है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड के कारण में से जीआई हो जाएगी, ठीक है। इस केस में ओआई प्रेजेंट होगी नहीं क्योंकि यहां पर कोई कार्बन कार्बन नहीं है, इस कार्बन को चेक करो, इसको चेक करो, कोई कार्बन कार्बन नहीं है तो ओआई इसमें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगी, जीआई होगी, ठीक है। ये हो गए, इसमें बात करते हैं तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस, इसमें भी क्या होता है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये क्या हो जाता है, ये आउट ऑफ, ऐसे ये जो ग्रुप है वो रोटेट हो जाती है, रिंग रोटेट हो जाती है, तो ये ऐसे बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया और ये जो रहेगा वो किस में रहेगा, ये जो रहेगा वो प्लेन में रहेगा, ये प्लेन में है, ये रिंग तो प्लेन में रहेगी और ये वाली जो रिंग है वो रिंग प्लेन के बाहर हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी, ये वाली आउट ऑफ प्लेन हो गई और ये प्लेन में है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में यहां पर जो अगर मैं दोनों रिंग को देखूं तो दोनों रिंग अलग अलग प्लेन में, दोनों रिंग अलग अलग प्लेन में, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल, अगर मॉलिक्यूल कायरल हो गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये जो रिंग है वो तो क्या रहेगी, रिंग, ये तो प्लेन में रहेगी, ये वाली जो रिंग रहेगी वो चली जाएगी आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी ऐसे, तो वो वाली जो रिंग रहेगी वो क्या रहेगी, फिर वो प्लेन में आ जाएगी, तो ये वाली जो रिंग है वो किसमें रहेगी, वो प्लेन में, ये वाली जो रिंग रहेगी वो आउट ऑफ प्लेन और ये वाली जो रिंग रहेगी वो प्लेन में, तो ये वाली लास्ट वाली जो रिंग है वो क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं बनेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल कायरल नहीं बनेगा तो ये ओआई जो है वो शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये क्या शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, ठीक है। इसका केस भी वैसा ही है जैसे अपन इनकी बात करते हैं, साइक्लोएल्काइडीन की बात करते हैं, स्पायरिन्स की बात करते हैं, क्यूमुलिन्स की बात करते हैं। साइक्लोएल्काइडीन वो इवन, ठीक है, इवन स्पायरिन्स और इवन क्यूमुलिन्स कॉमन बोलते हैं कि जीआई नहीं होती, वैसे ही ये वाला केस है, इनको बोलते हैं डाइफिनाइल्स। तो ये जो डाइफिनाइल्स हैं, तो डाइफिनाइल्स में भी अपन ये बोल सकते हैं, ये डाइफिनाइल्स हैं, डाइफिनाइल्स कैसे हो गए, ये दो रिंग आ गई तो दो रिंग आ गई तो ये इवन हो गए, तो इवन वाले केस में अपन जीआई नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, ओआई बोलेंगे। तो यहां पर मैं डाइफिनाइल्स भी लिख सकता हूं, डाइफिनाइल, ठीक है। तो डाइफिनाइल की बात हो गई, क्यूमुलिन की बात हो गई, इवन वाले हैं ये, इवन इवन है ये, ठीक है, दो आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इनके केस में दो आ रहे हैं इसमें, तो दो आने की वजह से अपन बोलेंगे कि जीआई नहीं होगी, ओआई प्रेजेंट होगी। अब इसमें बात करें तो इसमें तीन आ गए, तो तीन में वैसे होगा जैसे ऑड में चल रहा है, तो जीआई प्रेजेंट होगी, ओआई इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं तो इसके केस में, तो इसमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला ऑक्सीजन है और इधर कोई ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है, तो रिंग रोटेट नहीं होगी। अगर रिंग रोटेट नहीं होगी तो इसमें फिर जीआई की बात करते हैं, तो जीआई होगी या नहीं होगी, भाई जब यहां पे देख रहे हो, यहां पे आप देख रहे हो कि रिंग रोटेट हो गई थी, तो रिंग रोटेट होने से ओआई प्रेजेंट हो गया था, जीआई प्रेजेंट नहीं है, यहां पर रिंग रोटेट नहीं होगी, तो यहां पर रिंग अगर रोटेट नहीं होगी तो अपन बोल सकते हैं कि जीआई जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, और ओआई की बात करेंगे तो ओआई प्रेजेंट नहीं होगी, यहां पर ओआई नहीं होगी, यहां पर जीआई हो सकती है, ठीक है।
तो अब अपन बात करें दूसरा कि टोटल अपन को जीआई पता करने हैं, सी टू सी एल एफ बी आर आई, इसके टोटल जीआई पता करने हैं। तो इसके टोटल जीआई कैसे पता करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो उसको कैसे पता करें। तो टोटल जीआई पता करने के लिए आप एक काम करो कि कार्बन दो, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इस पर क्या जोड़ना है अपन को सी एल बी आर एफ आई, ये सारे ग्रुप जोड़ने हैं। तो आप एक काम करो कि यहां पर एक बार एफ लगा दिया आपने, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहां सी एल बी आर और क्या आई। आप एक काम करो कि एक चीज को पकड़ लो यहां पर, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो ये टर्मिनल पर फ्लोरीन है, इसको यही पर रहने दो, बाकी ग्रुप को क्या कर दो चेंज कर दो। तो एक तो इसका ये बनेगा जी आई, ठीक है, दूसरा जी आई क्या बन सकता है इसका, दूसरा ये बन सकता है क्लोरीन को यहीं पे रहने दो और क्या करो क्लोरीन को चेंज कर दो। तो क्लोरीन को चेंज करें यहां पे, इसकी जगह क्या कर दो यहां पर ब्रोमीन कर दो, और ये डबल बॉन्ड और ये यहां पर क्या कर दो, यहां पर आप क्लोरीन कर दो और आयोडीन कर दो, ठीक है, इस तरीके से। अब एक तो आपने ये बनाया, इसका भी आप एक चेंज कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, इसका चेंज आप करोगे तो ऐसे कर दोगे सी डबल बॉन्ड सी यहां पर एफ और यहां पर ये सी एल रहने दो, इनको क्या कर दो चेंज कर दो, इनको चेंज करेंगे तो ये आई को क्या ले लो, आई को ले लो ऊपर और बी आर को क्या ले लो नीचे, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इसकी बात करें अपन तो दो ये बन गए, ठीक है, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन जाएगा कि यहां पर भी ऐसे कर दो, बी आर को ऐसे कैसे रहने दो, यहां पर बी आर ऐसे कैसे, ठीक है, एफ को ऐसे कैसे रहने दो डबल बॉन्ड और यहां पर इसको चेंज कर दो, आई ऊपर कर दो और सी एल क्या कर दो नीचे, इस तरीके से। अब फिर क्या करो, आपकी बार यहां पर ले लो आई ले लो, यहां पर आई ले लो, तो आई लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका बाकी जो बच गया वो सी एल और क्या बच गया बी आर। अब इसमें भी चेंज कर दो, इसमें क्या चेंज करोगे, तो ये बन गए आपके कितने चार, तो ये बन गए पांच और ये बन गया और एक और बन सकता है, यहां पर क्या करोगे बी आर को ऊपर कर दोगे, सी एल को क्या कर दोगे नीचे कर दोगे, तो सी डबल बॉन्ड सी और ये बी आर ऊपर और एक सी एल नीचे और यहां पर क्या एफ और यहां पर क्या जाएगा आई, तो एक ये बन गया, ठीक है। ऐसे करके इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो आप लिखोगे टोटल जी आई जो बनेंगे इसके वो बनेंगे छह, ठीक है, टोटल इसके जी आई बनेंगे छह। इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चन देखे और कुछ थ्योरी भी साथ में देखी, आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिगड़ गया आज वीडियो।